Hello everyone, welcome to my channel, and in this video we will be covering a very small yet interesting concept, that is types of exchange rate system. ठीक है, तो इसको समझने से पहले मैं हम आपसे भी पूछना चाहता हूँ, what is exchange rate system? I want to know what you guys think of exchange rate system. Exchange rate system, देखो ये topic है international business का, IB का ये topic है. तो एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है पहले इसको समझते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल कवर द टाइप्स. देखो एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है. एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर एक करेंसी, वन करेंसी करेंसी इज एक्सचेंज्ड विद अनदर. लेट सपोज आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है यूएस में, ठीक है, और लेकिन आप रहते कहाँ पे हो, इंडिया में. देन अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है यूएस में तो आपके पास कौन सी करेंसी होनी चाहिए, इंडियन करेंसी. विल इट वर्क ओवर देयर? नॉट एट ऑल. कौन सी करेंसी चलेगी भाई, वहाँ तो सर डॉलर चलता है, यहाँ रुपीज़ वगैरह का चक्कर नहीं है. ठीक है, तो अब क्या करें फिर हम. लेट सपोज यू वॉन्ट टू बाई अ प्रोडक्ट फ्रॉम यूएसए, यू डोंट हैव डॉलर्स विद यू, देन वट डू यू, हुम डू यू अप्रोच? यू विल अप्रोच अ फॉरन एक्सचेंज मार्केट, एफएक्स मार्केट पे आप ढूंढोगे, जगह ढूंढोगे, वहाँ पे जाओगे, फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करोगे, इंडियन रुपीज़ दोगे और डॉलर लोगे, क्या रेट पे एक्सचेंज करोगे, जो भी प्रिवेलिंग होगा उस टाइम पे. एज्यूम करते हैं कि एक डॉलर, एज्यूम कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में या फिर इस टॉपिक में, कि रुपीज़ 50 का एक डॉलर. ठीक है, तो दैट मीन्स दैट यू हैव टू पे 50 रुपीज़ टू गेट 1 डॉलर. तो अब ये हमें समझ में आ गया भाई एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है. ऐसे ही अलग अलग करेंसीज का अलग अलग रेट होता है. चलो इसको मिटाते हैं, अभी फटाफट इसको समझते हैं, आगे वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं. इसमें कितने टाइप के हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, सॉफ्ट पैक, क्रॉलिंग पैक एंड मैनेज फ्लोटिंग. चलो एक एक करके फटाफट इनको समझते हैं, लेट्स कंटिन्यू. सो द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. चलो इसको समझते हैं ये है क्या. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू एन एक्सचेंज रेट वेयर एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी. इट इज़ नॉट डिटर्मिंड बाई मार्केट फोर्सेज. भाई गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है इंडिया में? सेंट्रल बैंक, RBI, उसी को बोल रहे हैं मॉनेटरी अथॉरिटी. गवर्नमेंट तो कौन है, गवर्नमेंट हमें पता ही है कौन है. ठीक है, तो RBI या फिर गवर्नमेंट इसको फिक्स कर लेती है, यानी कि $1 शुड बी इक्वल्स टू ₹50. गवर्नमेंट ने बोला भाई हम लोग फिक्स कर रहे हैं इसको, $1 की वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज. इट विल नॉट फ्लक्चुएट, ये चेंज नहीं होने वाली. अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं कुछ फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो एक्सचेंज रेट या फिर किस रेट पे कौन सी करेंसी मिलती है या उसका रेट कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज को, वो नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर. तो अभी के लिए हम समझते हैं कि $1 इक्वल्स टू 50, ऐसा किसने फिक्स कर दिया, या तो RBI ने या फिर गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट जो मार्केट फोर्सेज हैं या मार्केट फैक्टर जो फोर्सेज हैं या जो हम फैक्टर्स पढ़ेंगे वो इसको डिटरमिन नहीं करेंगे, वो इसको चेंज नहीं कर सकते. आगे पढ़ते हैं. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज अ रिजाइम अप्लाइड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दैट टाइज द करेंसी कंट्रीज ऑफिशियल करेंसी एक्सचेंज रेट टू अनदर कंट्रीज करेंसी और प्राइस ऑफ गोल्ड. देखो दो ऑप्शन है फिक्स करने के. देखो भाई फिक्स का मतलब है किसी के साथ अपनी वैल्यू को फिक्स करना. या तो देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, गोल्ड के साथ हमने फिक्स कर लिया. ठीक है, गोल्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है, जो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है. या फिर किसी एक ऐसी कंट्री की करेंसी के साथ, अगेन उस ऐसी कंट्री की करेंसी के साथ हम फिक्स करेंगे जो स्टेबल करेंसी होगी. ठीक है, जो इंटरनेशनली स्टेबल हो, लाइक US के डॉलर्स या यूरो. ठीक है, सच करेंसीज जो जिनकी वैल्यू फ्लक्चुएट ज़्यादा ना हो. अब आगे पढ़ते हैं. द पर्पस ऑफ फिक्सिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज टू कीप करेंसीज वैल्यू विद इन अ नैरो बैंड. भाई ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, एक फिक्स्ड हमने फिक्स कर लिया है, इसका फायदा क्या होगा, एक बार अगला पॉइंट पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा फिक्स करने का फायदा. फिक्स एक्सचेंज रेट provides greater certainty for exporters and importers and help government to maintain low inflation. भाई देखो exporter और importer जितना ज़्यादा currency fluctuate करेगी, जितनी ज़्यादा currency fluctuate करेगी उतना ज़्यादा import और export में changes आएंगे. क्यों? क्योंकि currency की value या तो appreciate होगी या depreciate होगी. appreciate होगी, let's suppose Indian currency की value appreciate हो गई तो हम लोग ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे बाहर से कम प्राइसेस में, बिकॉज हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई तो हम
कम पैसों में ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे, तो हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम कर देंगे, तो इम्पोर्टर्स का फ़ायदा हो गया और सिमिलरली डीवैल्यू हो गई। तो डीवैल्यू के केस में हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, तो हमारा हमारी चीज़ें सस्ती हो गई, हमारे एक्सपोर्टर्स का फ़ायदा हो गया, लेकिन हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए बाहर से चीज़ें महंगी हो गई। तो दैट इज़ वाई अगर फिक्स्ड रेट रहेगा तो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर दोनों को कॉन्फिडेंस रहेगा डील करने में, और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगी। चलो आगे चलते हैं, अगला क्या दे रखा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। चलो इसको समझते हैं। देखो फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई हम लोग वी विल लेट द करेंसी फ्लक्चुएट फ्रीली एज पर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितना भी डिमांड है, जितना भी सप्लाई है, जो भी हम फैक्टर्स पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में अगली वीडियो में, वो डिसाइड करेंगे रादर देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल नॉट फिक्स, नो इन्वॉल्वमेंट बाय द गवर्नमेंट, नो नीड टू मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और डेफिसिट और सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट इन फॉरेक्स विद मार्केट फोर्सेस। देखो एक एक करके समझते हैं इनको। पहली बात तो गवर्नमेंट कोई इंटरवीन नहीं करेगी। दूसरी बात, हमने फॉरेन एक्सचेंज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में पिछला वाला जो हमने पढ़ा है अभी, उसमें ना गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखने पड़ते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स, एफएक्स रिजर्व्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। तो ये क्यों मेंटेन करके रखने पड़ते हैं? ये इसलिए मेंटेन करके रखने पड़ते हैं कि अगर करेंसी की वैल्यू ज़रूरत से ज़्यादा एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो, या जितनी हमने फिक्स करी है उससे ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए उसकी वैल्यू, ठीक है, तो उस केस में एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, $1 इक्वल्स टू 50 हमने फिक्स किया है लेकिन 52 हो रहा था या फिर 48 हो गया। इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, 48 हो गया यानी हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गवर्नमेंट विल हैव टू सेल। सेल क्या करने पड़ेंगे, नॉट सेल सॉरी, बाय करने पड़ेंगे, बाय फॉरेक्स एफएक्स रिजर्व्स टू ब्रिंग इट बैक टू रुपीज 50, बाय करना पड़ेगा फॉरेन रिजर्व्स। सिमिलरली 52 हो गई मतलब डेप्रिशिएट हो गई हमारी करेंसी की वैल्यू, देन वी हैव टू सेल फॉरेक्स रिजर्व्स टू ब्रिंग इट बैक टू 50, ठीक है। लेकिन फ्लेक्सिबल के केस में तो हमारे को कुछ मैनिपुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, मैनिपुलेशन एज इन कि वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू, हमें कोई फोर्सफुली या हमारे को कोई फिक्स करने की जरूरत नहीं है, मार्केट फोर्सेस विल डिटरमिन। करेंसी की एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली होती रहती है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कितना हमने सामान खरीदा और कितना हमने सामान बेचा उसका बैलेंस, तो उसके बीच में बैलेंस जो होगा वो मार्केट फोर्सेज ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देंगी एज पर दिस सिस्टम। नेक्स्ट वाला सॉफ्ट पेग, अब देखो इसको पढ़ते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सॉफ्ट पेग इज एन एक्सचेंज रेट पॉलिसी वेयर गवर्नमेंट अलाउज एक्सचेंज रेट टू बी सेट बाय मार्केट फोर्सेस। भाई देखो ये तो फ्लेक्सिबल की तरह नहीं हो गया कि मार्केट फोर्सेस विल डिटरमिन, ठीक है, बट इन सम केसेस स्पेशली इफ एक्सचेंज रेट अपीयर्स टू मूव रैपिडली इन वन डायरेक्शन, द सेंट्रल बैंक विल इंटरवीन एंड इन द मार्केट। भाई सेंट्रल बैंक आएगी, देखेगी, कब आएगी, जब उसको लगेगा यार ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड में एक करेंसी की वैल्यू या तो एप्रिशिएट होने लग गई एकदम से या डेप्रिशिएट होने लग गई बहुत ज़्यादा स्पीड पे, तो उस केस में सेंट्रल बैंक आ जाएगा। वरना अगर छोटा मोटा फ्लक्चुएशन है तब तक तो गवर्नमेंट कुछ सब कुछ अलाउ करेगी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी फॉलो करेंगे, बट जहां पर लगेगा करेंसी की वैल्यू भाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है, करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जा रही है या डेप्रिशिएट सडनली हो जा रही है, वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सेंट्रल बैंक यानी कि हमारा आरबीआई विल इंटरवीन एंड दे विल ट्राई टू कंट्रोल इट, दे विल ट्राई टू स्टॉप सच मूवमेंट्स। तो सॉफ्ट पैक का मतलब ये हुआ कि सडन रैपिड मूवमेंट्स के केस में उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, और जब नॉर्मल ब्रैकेट्स में या फिर नॉर्मल रेंज में फ्लक्चुएट हो रहा है उस केस में दे विल अलाउ इट टू फॉलो फिक्स फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। आगे चलते हैं, अ सॉफ्ट पैक डिस्क्राइब्स टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिजीम अप्लाई टू करेंसी टू कीप वैल्यू स्टेबल अगेंस्ट रिजर्व करेंसी और बास्केट ऑफ करेंसीज। सॉफ्ट पैक का काम क्या है भाई, सॉफ्ट पैक का काम है सडन मूवमेंट, एकदम जो एकदम से मूवमेंट हो या तो एप्रिशिएट हो या डेप्रिशिएट हो वैसा ना हो, बिकॉज सडन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेज सहने पड़ सकते हैं, सो दैट इज़ वॉट इज़ सॉफ्ट पैक। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो रैपिड मूवमेंट है उनको स्लो डाउन कर रही है। करेंसी विद सॉफ्ट पैक आर हाफ वे बिटवीन दोस बिटवीन फिक्स्ड एंड पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर फ्लोटिंग, फिक्स्ड और फ्लोटिंग के कुछ बीच का ये कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट पैक। द मेन डिफरेंस बिटवीन
सॉफ्ट पैक एंड हार्ड पैक करेंसी सिस्टम इज सॉफ्ट पैक सिस्टम प्रोवाइड्स अ लिमिटेड डिग्री ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी टू अलाउ गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक टू डील विद इकोनॉमिक शॉक। भाई इकोनॉमिक शॉक, सडन जो शॉक्स होते हैं इकोनॉमी में, लाइक रिसेशन आ गया, लाइक कोविड का पेंडेमिक आ गया, उन सिचुएशंस में बेसिकली जो किसी कंट्री को या किसी भी इकोनॉमी में कोई ज़्यादा बहुत बड़ा लॉस ना हो, उससे बचने के लिए सॉफ्ट पैक लाया जाता है। लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ एयरबैग इन अ कार। एयरबैग, गाड़ी हम बैठते हैं, हम लोग गाड़ी में आज की डेट में हर गाड़ी में एयरबैग्स होते हैं, येस और नो? वी नो दैट एवरी कार इन इंडिया टुडे एज पर द न्यू नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ एन एयरबैग। एयरबैग का काम क्या होता है भाई? जैसे ही एक्सीडेंट होता है वो सडनली खुल जाता है, सो दैट एयरबैग की वजह से जो सडन जर्क लगना था उससे बच सके, वो खुलने की वजह से जो पर्सन का फेस है वो बच सके। सिमिलरली सेम काम करता है सॉफ्ट पैक। सॉफ्ट पैक भी सडन रैपिड शॉक्स के केस में, इकोनॉमिक शॉक्स के केस में हमारे को सडन मूवमेंट ऑफ करेंसी से बचाता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉलिंग पैक। क्रॉलिंग पैक क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। क्रॉलिंग पैक इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट इन विच करेंसी इज फिक्स्ड एंड एक्सचेंज रेट इज अलाउड टू फ्लक्चुएट इन द बैंड रेट्स। देखो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो लेट्स सपोज इसमें ना पार वैल्यू, पहले तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हु विल डिसाइड द पार वैल्यू? गवर्नमेंट विल डिसाइड द पार वैल्यू। पार वैल्यू डिसाइड कर ली, लेट्स सपोज $1 इक्वल्स ₹50, सबसे ईजी एग्जाम्पल, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर ली कि भाई $1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ₹50, ठीक है? ये हमने एक ना छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारी 50 पार वैल्यू किसने डिसाइड करी? गवर्नमेंट ने पार वैल्यू डिसाइड करी। इसमें एक अपर लिमिट डिसाइड कर ली, इसमें एक लोअर लिमिट डिसाइड कर ली। अपर लिमिट डिसाइड कर ली $1 शुड बी इक्वल्स टू ₹60, $1 शुड बी इक्वल्स टू ₹60। और लोअर लिमिट डिसाइड कर ली, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 40 ले लेते हैं, ठीक है? ₹40, ठीक है? $1 शुड बी इक्वल्स टू 40। तो देखो ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट और ये पार वैल्यू, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे एक अपर लिमिट डिसाइड कर ली, एक लोअर लिमिट डिसाइड कर ली। और जो करेंसी की फ्लक्चुएशन है, सेम तो रहेगी नहीं हर समय, है ना, बदलती रहती है, तो कभी बढ़ गई, कभी कम हो गई, कभी बढ़ गई। तो अगर इससे ज़रूरत से ज़्यादा चली गई, मतलब 60 से ऊपर चली गई, तो गवर्नमेंट विल एक्ट एंड इट विल ब्रिंग डाउन टू इट टू द पार वैल्यू। एंड सिमिलरली अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसकी वैल्यू, लेट सपोज $1 इक्वल्स टू 40 हो गया, ठीक है, एप्रिशिएशन ऑफ इंडियन करेंसी हो गई, तो उस केस में अगेन 40 से भी नीचे चली गई, तो उस केस में पार वैल्यू पे फिर से लेके आएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्रॉलिंग पैक। तो क्रॉलिंग पैक का मतलब है कि भाई एक दायरा हमने डिसाइड कर लिया, एक बाउंड्री हमने सेट कर दी, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, इसके बीच में हम फ्लक्चुएट होने देंगे फ्रीली, बट अगर उस बाउंड्री को वो क्रॉस करता है तो उसको पार वैल्यू पे वापस लेकर आया जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्रॉलिंग पैक। चलो, पार वैल्यू इज अ स्टेट ऑफ करेंसी एंड बैंड्स ऑफ रेट मे ऑल्सो बी एडजस्टेड फ्रीक्वेंटली, पर्टिकुलरली इन टाइम्स ऑफ एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, ठीक है? चलो इसको समझते हैं। जो बाउंड्रीज हमने सेट करी हैं वो भी कोई ज़रूरी नहीं है फिक्स होने वाली हैं, वो भी धीरे धीरे हम चेंज कर सकते हैं। लाइक 40 की जगह जो हमने लोअर लिमिट रखी है, हम धीरे धीरे उसको 39 भी कर सकते हैं, 60 की जगह हम इसको 59 भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा करेंसी में वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, हाई स्पीड पे चेंज हो रहा है, ठीक है? तो क्रॉलिंग पैग आर ऑफन यूज टू कंट्रोल करेंसी मूवमेंट्स विच when there is a threat of devaluation due to factors of inflation and economic instability. तो ये कुछ factors हैं, ये अभी हम detail में discuss करेंगे, तो इसको हम बाद में next video में करेंगे। So अभी के लिए हमें ये समझना है कि crawling peg तब use किया जाता है जहाँ पर threat होता है, जहाँ पर खतरा होता है हमारे को currency की appreciation या depreciation का, ठीक है? जितना खतरनाक currency की devaluation है, depreciation है, उतना ही खतरनाक appreciation या करेंसी की वैल्यू बढ़ना भी इतना ही खतरा है। बिकॉज हमारे फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं, करेंसी की वैल्यू बढ़ने से एक्सपोर्टर्स का लॉस हो जाएगा बिजनेस का। वाई? बिकॉज प्राइजेज फॉरेन कंट्री से लोग जो हमारा सामान खरीदते थे उनके लिए सामान महंगा हो जाएगा, तो वो हमारे से सामान खरीदना बंद कर देंगे, ठीक है? अगला देखो क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेटेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी अलाउज पार वैल्यू टू रिमेन बिटवीन ब्रैकेटेड रेट्स। तो भाई हम लोग सेलिंग और बाइंग, मतलब फॉरेक्स का बाइंग और सेलिंग करने की मदद से वी कैन
मेक द एक्सचेंज रेट विद इन द ब्रैकेट्स या विद इन द बाउंड्रीज दैट वी हैव डिसाइडेड. ठीक है, सो दैट इज क्रॉलिंग पेग. लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, मैनेज फ्लोटिंग. तो ये सिस्टम ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसका दूसरा नाम देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, डर्टी फ्लोटिंग. अभी डर्टी फ्लोटिंग क्यों है इसको समझते हैं. मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम दैट इज एन सिस्टम दैट अलाउज नेशनल सेंट्रल बैंक जो कि हमारा आरबीआई है टू इंटरवीन रेगुलरली इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करेंसी फ्लोट एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ करेंसी वॉलेटिलिटी. एंड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग. अब इसको समझते हैं भाई ये क्यों बोलते हैं इसको डर्टी. डर्टी मतलब गंदा. क्यों गलत क्या है इसमें. देखो यहाँ पर मैनुपलेशन कर रही है गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक मैनुपलेट कर रहा है. यहाँ पर मैनुपलेट क्या कर रहा है, वो मैनुपलेट कर रहा है कि भाई किस उसका जो करेंसी की डायरेक्शन है. डायरेक्शन यानी या तो एप्रिशिएट होगी करेंसी की वैल्यू या डेप्रिशिएट होगी. उसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पर. मार्केट फोर्सेस नहीं कर रही है. मार्केट फोर्सेस करती तो अपने आप इक्विलिब्रियम आ जाता है. लेकिन यहाँ पर फॉरेन में नहीं, यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज मैनुपलेटिंग. वाई, अब मैनुपुलेशन से क्या फ़ायदा. आगे बढ़ते हैं. इम्प्रूव बैलेंस ऑफ ट्रेड. भाई मेरे को अपनी करेंसी की वैल्यू, लेट सपोज हमने करेंसी की वैल्यू अपनी डेप्रिशिएट कर दी, इंडियन करेंसी की वैल्यू हमने डेप्रिशिएट कर दी. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों के लिए बाहर की चीज़ें महंगी हो जाएंगी क्योंकि हमारी करेंसी अब कम पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी. या फिर यूएस डॉलर लेट सपोज वन डॉलर की ले हम, अब हमारे को पहले लेट सपोज हमारे को 60 देने पड़ते थे लेकिन अब हमारे को अब कितना देना पड़ रहा है, रुपये 70 देने पड़ रहे हैं. तो हम लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं वही सेम चीज़ लेने के लिए. बट बाहर वालों के लिए क्या है कि पहले उनको 60 रुपये मिल जाते थे एक डॉलर दे के, अब 70 मिल रहे हैं. तो मतलब वो ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे. तो इससे मैनेज फ्लोटिंग अपनी कंट्री की करेंसी वैल्यू को डेप्रिशिएट करके हम लोग अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्प्रूव करने के लिए हम इसको कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं. आगे क्या दे रखा है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिफ्लेशनरी रिसेशन. रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिफ्लेशनरी रिसेशन, अ लोअर करेंसी इंक्रीज एक्सपोर्ट्स डिमांड एंड इंक्रीज द डोमेस्टिक प्राइजेज लेवल बाय मेकिंग इम्पोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव. तो जो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डोमेस्टिक प्राइजेस को इम्पोर्ट्स को एक्सपेंसिव कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स को सस्ता कर रहे हैं सो दैट हमारे यहाँ रिसेशन ना आए. रिसेशन क्यों आता है, जब हमारा सामान हम बनाते हैं और बिकता नहीं है तो दैट इज रिसेशन. ठीक है, आगे चलो. रीबैलेंस ऑफ इकोनॉमी अवे फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ हायर इम्पोर्ट्स एंड कैप. ठीक है, देखो रीबैलेंस द इकोनॉमी. भाई हम लोग ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं तो उसको हटाकर हम लोगों ने अपनी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू कर दी, कम कर दी. उसकी वजह से हम अब ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे हैं ताकि हम इम्पोर्ट हमारे लिए महंगा हो जाए, एक्सपोर्ट हमारे लिए सस्ते हो जाए. और इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है. इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरे पे सैंक्शंस लगा देती हैं, उन पे टैरिफ लगा देती हैं सो दैट कि भाई जो ये मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं इसकी वजह से उनको ज़्यादा फायदा ना हो. ठीक है, सो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल बी मेकिंग on similar topic that is factors affecting exchange rate determination. So thank you so much guys.